चंद शताब्दी की अगर बात करें तो आपको खुद ही पता चल जाता होगा कि एक एसी चेयर कार हमारी ट्रेन होगी और जिसकी स्पीड एवरेज 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। जन शताब्दी में अगर स्टॉप कम होते हैं तो बहुत मजा आता है, पर इस पूर्णागिरी जन शताब्दी में हर आधे घंटे बाद एक स्टॉप पड़ ही रहा है। जैसे दिल्ली से चलेगी तो दिल्ली शादा रुकेगी, फिर गाजियाबाद रुकेगी, साहिबाबाद, ऐसे करके करीबन टनकपुर तक 25 हॉल्ट है, जिसमें इस ट्रेन की टाइमिंग की अगर बात करें तो ये मॉर्निंग में 6:10 पर पुरानी दिल्ली की रेलवे स्टेशन से निकलती है और अराउंड 4:10 पर उसी दिन सेम डे अपना टनकपुर पहुंच जाती है। अगर आप जन शताब्दी की बात करें तो इसका नाम है पूर्णागिरी एक्सप्रेस। जो ट्रेन है वो अराउंड 6:10 का टाइम था और राइट बिल्कुल 6:10 पे ही चल दी। और सर कैसा है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कितना खाली पड़ा है मॉर्निंग में? और सामने जो खड़ी है बरेली दिल्ली रेवाड़ी, इसमें बहुत भीड़ होती है। ये पैसेंजर है और एक शाहजहानपुर से आती है और एक बरेली से चलती है, तो मुरादाबाद जो मंडल है वहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, उसके बाद एकदम 24 डब्बे की पैसेंजर बनती है। फिर उसके बाद ये लेट हो गए और इस तरफ देखते हैं कौन सी जा रही है। ये देखिए, और हमारे इस तरफ ये कोई पैसेंजर ट्रेन है शायद, देख सकते हो जन शताब्दी रोक दी और इसका डिपार्चर देखो, ये भी कितनी बढ़िया है। अपना स्टेशन दिल्ली शादरा आ गया है और मैं आपको बता दूं, दिल्ली शादरा, दिल्ली से अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो ज़्यादातर दिल्ली शादरा जरूर रुकती है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह बहुत हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोग चढ़ते हैं और काफ़ी लोग उतरते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग यूपी की तरफ खूब जाते हैं और यहाँ से नोएडा पास में है, तो लोग यहाँ क्या करते हैं, फैक्ट्री के जो लोग होते हैं नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली शादरा से ही ट्रेन पकड़ते हैं अपना वापस चले जाते हैं, उनको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनली यहाँ पे देख रहे हो सवारी बहुत चढ़ी है अभी मैंने देखा, और मैं नीचे उतर भी नहीं पाया, मैं तो देखते हैरान हो गया कि इतनी जल्दी दिल्ली शादरा आ गया, बताओ यार। फाइनली 1 मिनट का हॉल्ट था जन शताब्दी का, जैसे ही रुकी बस सवारी चढ़ी और तुरंत ही चल दी। और देख रहे हो मॉर्निंग में कोई बेचने वाला नहीं है, ना कोई चलते फिरते चाय बेचने वाला है, अराउंड सब कुछ खाली पड़ा है। और दिल्ली शादरा देख रहे हो, वहाँ भी कोई ट्रेन नहीं है और यहाँ भी कोई ट्रेन नहीं है, देख सकते हो कि खाली का खाली पड़ा है। और सन कितना प्यारा निकल रहा है यार। तो बाय बाय दिल्ली शादरा,
गए, देख सकते हो साहिबाबाद। शाहदरा के बाद अपना सेकंड स्टेशन आया साहिबाबाद। मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा था वो फ़ोन मेरा जमा कर लिया था। तो जमा करने का मतलब ये था कि उन कुछ लोगों ने बोला कि भाई किस चीज़ की वीडियो बना रहा है, क्या मैटर है। तो उन लोगों ने, उत्तर प्रदेश पुलिस थे, उन्होंने आया और मेरा फ़ोन धर लिया। पहले तो उसमें मेरा कुछ डाटा डिलीट मरवा दिया और कुछ डाटा बच गया जो मैंने गूगल पे सेव कर लिया था हाथों हाथ। और उसके बाद मेरा फ़ोन सीधे लिया और जमा कर लिया। और जमा करने के बाद क्या हुआ, फिर अब मुझे मिला मेरा फ़ोन, देख सकते हो मेरे पीठ पीछे, RPF की तरफ से। तो थैंक गॉड अब मेरा फ़ोन मिल गया है। और अराउंड अब मैं आ गया हूँ आंवला, और अब इसके बाद मुझे उतरना पड़ेगा बरेली। तो ये जर्नी अब मेरी यही कंप्लीट ख़त्म होगी, और कुछ कर भी नहीं सकता मैं, मजबूरी में फंस गया। क्योंकि अब मैं क्या करूँ, अभी जस्ट फ़ोन भी ले गए वो मेरा, और बाय बाय जब तक के लिए।